हेलो दोस्तों, आईपीएल 2019 थर्ड मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा ने टॉस जीतने के बाद दिल्ली कैपिटल्स को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया और दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुरू के 2 विकेट बहुत जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के मिडिल ऑर्डर ने दिल्ली की बैटिंग को संभाला, लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग में ऋषभ पंत का रहा, जिसने मात्र 27 गेंद में 78 रन बनाए, 78 रन बनाए, जिसके अंदर 7 बाउंड्री लगाए और 7 सिक्स लगाए। उनकी स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 288.89 की स्ट्राइक रेट रही ऋषभ पंत की। दोस्तों आईपीएल 2019 की सबसे फास्ट 50 ऋषभ पंत के नाम हो चुकी है। इसी वजह से दोस्तों ऋषभ पंत की बैटिंग की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने 214 बना दिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।